तो दोस्तों आज के वीडियो में बात करेंगे कि तीन पत्ती कैसे खेलें, तीन पत्ती कहाँ खेलनी चाहिए, तीन पत्ती किस तरीके से खेलनी चाहिए और तीन पत्ती में हम विनिंग कैसे करेंगे। और दोस्तों मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा, तीन पत्ती एक तरीके की गैम्बलिंग ही है और तीन पत्ती में 99% लोग लॉस में रहते हैं। अब तीन पत्ती में अगर आपको प्रॉफिट करना है ऑनलाइन, क्योंकि ऑफलाइन तो देखो पूरा जेन्यून चलता है, ऑफलाइन में कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर आपको ऑनलाइन में करना है प्रॉफिट तो आपको ये तीन पत्ती की एप्लीकेशन है, इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। लीगल एप्लीकेशन है और इंडिया में लीगल है, उस एप्लीकेशन के बारे में बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको तीन पत्ती की जो एप्लीकेशन, जो चाइनीज़ एप्लीकेशन आती है, वहाँ पर आपको तीन पत्ती कभी नहीं खेलना चाहिए। जैसे उनका नाम बहुत सारा होता है, जैसे मैजिक वेजिक और कुछ भी रमी लगा के उन तीन पत्ती एप्लीकेशंस को बना दिया जाता है। वहाँ पर आपको तीन इक्के दे दिए जाएंगे जो कि थ्री ऑफ काइंड का बहुत बड़ा सेट होता है और आपको पता है कि वो जीतेगा ही जीतेगा। फिर आपके सामने दो ओपोनेंट होंगे जो कंपनी के ही होते हैं। फिर क्या करते हैं कि वो दोनों भी चाल देंगे, आप भी चाल दोगे, वो दोनों भी चाल देंगे। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको डिपॉजिट मांगेगा, आप 10,000 रुपये डिपॉजिट करोगे, क्योंकि आपको तो पता ही है आप जीत रहे हो, आपके पास सबसे बड़ा हैंड है, इससे ऊपर कुछ होता ही नहीं है। तो फिर क्या होगा कि सामने वाले शो लेंगे ही नहीं। अब सामने दो बंदे बैठे हैं तो आप शो नहीं ले सकते, क्योंकि उनमें से एक पेक होगा तभी आप शो ले सकते हो। फिर उस सिचुएशन में आपसे 2 लाख रुपए डिपॉजिट करोगे, 5 लाख रुपए डिपॉजिट करोगे, और जैसे ही आप डिपॉजिट नहीं करोगे आपको पेक होना पड़ेगा। तो आप, और अगर आप डिपॉजिट करोगे तो आप कितना ही डिपॉजिट करो वो दोनों सिट डाउन सीट अप होंगे ही नहीं और आप वहाँ पर आपका लॉस ही होगा। तो इस तरीके का एक ट्रैप होता है तीन पत्ती का, तो उसको ध्यान में रखना है। और यहाँ पर बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, उन्होंने अभी लीगली तीन पत्ती लॉन्च किया है जो कि इंडिया में लीगल कंपनीज है, जस्ट लाइक MPL हो गया, विंजो हो गया, इनमें से कुछ एप्लीकेशंस ने अभी तीन पत्ती लॉन्च कर दिया है। तो यहाँ पर उस टाइप का स्कैम नहीं होता है, पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़, अगर आपको तीन पत्ती खेलनी है तो तीन पत्ती पूरा का पूरा स्किल बेस्ड गेम है। स्किल कैसे हैं, क्योंकि इसमें आपको कुछ हैंड्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो अब मैं बताता हूँ आपको किस किस टाइप के हैंड्स होते हैं, तो उसका मैंने एक स्क्रीन शॉट ले रखा है, वो मैं दिखा देता हूँ आपको। तो दोस्तों ये होते हैं तीन पत्ती के सेट्स। इसमें से जो सबसे बेस्ट होता है वो होता है जैसे तीन पत्ते होते हैं जिसमें तीन इक्के मिल गए आपको, उससे छोटा तीन बादशाह, उससे छोटा तीन बेगम। तो ये होता है एक तरीके से, इसमें ट्रिल बोला जाता है, थ्री ऑफ सेम रैंक पत्ते होते हैं उसको ट्रिल बोला जाता है, और उसको बहुत ही ज़्यादा पावरफुल माना जाता है। तीन इक्के से कोई नहीं जीत सकता, इससे ऊपर कुछ होता ही नहीं है। इसके बाद में आता है प्योर सिक्वेंस। प्योर सिक्वेंस में ये होता है कि जैसे आपके पास में हुकुम का पत्ता है, जैसे ईंट के पत्ते का इक्का बादशाह बेगम है, तो ये सबसे बड़ा सीक्वेंस है। इसके बाद में सेकंड बेस्ट आता है इक्का दुग्गा तिग्गी, ये सेकंड बेस्ट होता है। तो ये होता है प्योर सीक्वेंस, सेम कलर का होना चाहिए, सेम कार्ड होना चाहिए, ये प्योर सीक्वेंस आता है, ये सेकंड नंबर पर माना जाता है। और 80% आप मैचेस जीतोगे अब अगर आप प्योर सीक्वेंस पर खेलते हो तो। फिर आता है सीक्वेंस, सीक्वेंस में एक दो तीन और कुछ भी पत्ते से सीक्वेंस बन जाता है, 3 4 5 6 7 8 गुलाम बेगम बादशाह। तो ये होता है सीक्वेंस, इसमें आप 70 या 60% आपकी विनिंग रेशियो रहने वाली है। इसके बाद में आता है कलर, जैसे सेम कलर है, लाल का कलर है, हुकुम का कलर है, तो ये होता है चार नंबर पे कलर। आपको इस पर सिर्फ और सिर्फ रिस्क लेना चाहिए, 40% आपके जीतने के चांसेस रहते हैं, बाकी आप लॉस कर जाओगे। फिर आता है पेयर, जिसमें दो इक्के आ गए, तीन पत्ते आपको टोटल मिलते हैं, इसमें से दो इक्के हो गए, दो बादशाह हो गए, दो बेगम हो गई, तो ये होता है एक तरीके से पेयर। तो पेयर पे आपको 20% ही रिस्क लेना चाहिए, आप एक चाल आ सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए। और बाद में होता है हाई कार्ड, इस पे आपको पे के हो जाना चाहिए। हाई कार्ड में मतलब ये है कि अगर आपके किसी के पास कोई कुछ नहीं बन रहा है सीक्वेंस, तो आपका इक्का भी जीत जाएगा, आपका बादशाह भी जीत जाएगा, तो ये होते हैं हाई कार्ड। तो ये तो है इसके सीक्वेंस सिस्टम। अब मैं आपको लाइव खेल के नहीं दिखाऊंगा जब तक आपको समझ में उतना नहीं आएगा। तो इस तरीके से आपको टेबल चुननी पड़ती है, जैसे मैं टेबल चुन लेता हूँ 10 रुपये बोर्ड की, या फिर मैं 10 रुपये बोट या 25 रुपये बोट की थोड़ी अच्छी टेबल चुन लेता हूँ। चलिए मैं 25 रुपये बोट की ये टेबल चुनता हूँ। ये टू कार्ड टेबल है, मैं सिंगल कार्ड भी चुन सकता हूँ, चलो सिंगल कार्ड चुन लेते हैं। अगर ऐसा ही कुछ है तो चलो सिंगल कार्ड ही चुनते हैं, थोड़ा ठीक रहेगा। यहाँ से एग्ज़िट करते हैं और सिंगल कार्ड में ही खेलते हैं 25 रुपये बोट में। ये अपन ने एंट्री कर ली, इसमें आपके पास में कम से कम 750 रुपये होने चाहिए। अपन यहाँ पर 2500 रुपये लेके जाएंगे, क्योंकि थोड़ा ठीक रहता है, अपना बजट अच्छा दिखे तो अपने को अच्छे पत्ते मिलते हैं तो अपन कर सकते हैं। चलो इस टेबल पे कोई भी बंदे नहीं हैं अभी, तो टेबल स्विच कर लेते हैं। तो चलो ये टेबल अपन ने स्विच कर ली, तो यहाँ पर भी अपने को इतने अच्छे बंदे अभी नहीं हैं, तो
तो चलो अभी यहाँ से चलो स्टार्ट होने में ही है, बंदा मिल गया अपने को और अभी अपना मैच स्टार्ट होने में है, न्यू राउंड। चलो तो 25-25 रुपए बोट अपन ने यहाँ पे डाल दी, ये अपने को कार्ड इस तरीके से मिल जाते हैं। अभी ब्लाइंड चाल देंगे अपन, तो अपन ने चाल दी। अब आप देखोगे कि अपना कोई सीक्वेंस नहीं बन रहा, पर सामने वाले का भी नहीं बन रहा था, वो पेक हो गया। अपन यहाँ पर 44 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है अपने को, वापस न्यू खेलते हैं। तो 50 रुपये बोट चली गई, 25-25 रुपये दोनों की चाल देते हैं। अब आप देखो कि अपना कलर बन रहा है, तो मैंने क्या बोला था, कलर पे आप एक चाल चल सकते हो, ये अपन ने कलर पे चाल चल गई, उसने शो ले लिया। अब देखते हैं, तो उसके पास सिर्फ हाई कार्ड थे और अपना कलर था, तो कलर हाई कार्ड से जीत गया। उसके पास सिर्फ इक्का बेस्ट था, तो यहाँ पर अपन अब अपन आते हैं तीसरे मैच में। तो यही मैं आपको बताने चाह रहा था गेम के बारे में। तो में देखो तो अपने पास में है पंजी, तो भी अपन चाल ब्लाइंड देंगे। अब वहाँ पर जो देसला पड़ी है उससे अपना कुछ भी नहीं बन रहा है, तो अपने को यहाँ पर पे करना चाहिए, क्योंकि उसके पास कुछ ना कुछ बन रहा होगा। ये सामने जो कार्ड खुलता है, ये सिर्फ ऑनलाइन के अंदर एक नियम लाया गया है, ऑफलाइन के अंदर कार्ड नहीं खुलता है। ऑनलाइन के अंदर ये नियम इसलिए है कि आपका अगर वो जो सामने पत्ता खुला है उससे किसी के बन रहा हो तो आपको प्रॉफिट हो सकता है। चलो चाल देते हैं यहाँ पर, अभी ब्लाइंड चाल देनी चाहिए आपको ज़्यादातर। अब ये देखो अपना दो दो का पेयर बन गया, एक सिंगल पेयर बना। अगर अपन थोड़ा राइज करते हैं तो उसको डरा देते हैं, ताकि वो जल्दी से जल्दी शो ले लेवे। तो चलो अपन ने उसको डराया है, वो पेक हो गया देखो। तो अगर अपन चाल बढ़ाते तो सीक्वेंस बन गया है, तो अपन ने उसको पेक करा दिया। इस तरीके से तीन बत्ती चलती है ऑनलाइन, और सामने वाली दुग्गी और अपनी दुग्गी से दो दो का एक पेयर बन गया था, इसलिए अपन ने पी लिया था। अब देखो सामने बादशाह है, हाई कार्ड बन रहा है, अपन यहाँ पर शो लेंगे तो भी पैसे बिगड़ेंगे अपने। हाई कार्ड पे आपको कभी नहीं खेलना है, आप समझ रहे हो, कलर पे खेलना है। और अगर प्योर सीक्वेंस या ट्रिल पड़ गई तो आपको अनलिमिटेड खेलना है, इतना खेलना है कि सामने वाला जब तक पैसे डाले आपको डालते जाना है। चलो चाल देते हैं, बेगम खुली अपने पास में। अब ये देखो अपना हाई कार्ड हो चुका है, तो अब यहाँ पर अपन पेक भी हो सकते हैं या फिर अपन डरा भी सकते हैं। डराने जाएंगे तो अपने साथ रोटना हो जाए, क्योंकि उसके क्या पता सीक्वेंस बन गया हो। इस तरीके से है, आपको ज़्यादा गुस्से में नहीं खेलना है, और थोड़ा सा दिमाग से यूज़ करके खेलोगे तो कमा के निकल जाओगे। चलो अभी वापस चाल दे देते हैं, चाल दे दी। अब देखो वापस अपना पेयर बन गया तीन तीन का, तो सामने वाला वैसे ही पैक हो गया, अपन यहाँ पर जीत चुके। चलो अगेन अब तीन जने आ गए हैं, तो अब सभी की बोट कलेक्शन हो जाएगी यहाँ पर। टोटल 75 रुपये की बोट हो गई, 25-25 रुपये बोट मतलब एंट्री होती है एक तरीके से मैच में अगर आप उतरते हो। तो चाल दी अपन ने ब्लाइंड में ही। अब आप देखो तो अपना हाई कार्ड बन रहा है, तो अपने को पेक होना ही यहाँ पे सही रहेगा। तो सी इसने ये भी पेक हो गया, वो जीत गया है 200 रुपये, वो लेके। और यहाँ पर जेन्यून प्लेयर्स आते हैं, बोट्स नहीं आते हैं। और दूसरी चीज़, यहाँ पर आप 5 से 6 चाल दोगे तो फिर शो ऑटोमेटिक हो जाएगा, तो यहाँ पर आपके साथ वो स्कैम नहीं होता जो स्कैम चाइनीज़ एप्लीकेशंस में होता है, और वहाँ पर तो कभी खेलना भी नहीं चाहिए आपको। हाई कार्ड बन रहा है, अपन डरा भी सकते हैं उनको, आप बोलो तो चलो डरा लेते हैं। अपन थोड़ा सा कन्फर्म राइज कर देते हैं, देखो अभी ये पेक हो गया और वो भी पेक हो गया, अपन जीत गए। तो ये क्या है कि इतनी देर से अपन खेल नहीं रहे थे, तो उनको लगा इनका सीक्वेंस बन गया है, तो वो लोग डर के पैक हो गए। तो ये भी एक तरीके की तीन पत्ती की स्किल होती है, कि आप चाल बढ़ा के दे दो तो सामने वाले को लगना चाहिए कि उनके पास कुछ अच्छा पत्ता है, तो फिर वो लोग पैक हो जाते हैं। अब देखो अब एक नया प्लेयर और आ गया है, अब अपना बना है यहाँ पर पेयर, तो अपन यहाँ पर राइस करके देंगे, एक ही राइस करेंगे। अगर कोई आता है तो अपन पैक हो जाएंगे, क्योंकि इसके ऊपर आना मतलब बहुत बड़ी बात है। तो इसके सीक्वेंस बन रहा है करीब करीब, और आपको अगर नहीं लगता है इसका सीक्वेंस बन रहा, चलो मैं शो लेता हूँ डायरेक्ट, आप देखना वो जीतेगा। देखो उसका सीक्वेंस बन रहा है, प्योर सीक्वेंस बन रहा है उसका, और वो जीता। तो ये होता है गेम, तो इसलिए इसमें कभी भी आपको जिद नहीं करनी है, आपको सिर्फ एक चाल करना है। अगर आप बार बार उसमें चाल दोगे तो आपका लॉस हो जाएगा, ये बात ध्यान रखो। चलो एक मैच और खेलते हैं, और आप पहले शो भी ले सकते हो, उसे देख भी सकते हो, अगर आप यहाँ देखना चाहो देख सकते हो। चलो मैं चाल दे देता हूँ, मैं शो करके चाल देती तो मेरे को डबल डालना पड़ेगा पैसा, बस इतनी सी दिक्कत है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है।
प्लेयर तो बन रहा है पर इतना बड़ा नहीं बन रहा है, फिर भी अपन राइज करके चाल दे देते हैं, क्या पता अपना काम हो जाए। सब जने ये पेक हो गया, वो भी पेक हो जाए और ये भी पेक हो जाए, तो अपने को 350 रुपये मिल जाएंगे। तो ये पेक नहीं हुआ है, चलो छोड़ देते हैं। उसके पास भी पेयर था, उसके पास में बड़ा पेयर था, तो अपन हार चुके हैं यहाँ पर। तो यही है कि नुकसान हुआ है अपना, अपने को शोन नहीं। तो आप देख रहे हो मेरा लॉस होता जा रहा है धीरे धीरे। तो ये होता है थोड़ा सा, आपको छोटे पत्ते पे इग्नोर मारना पड़ेगा। छोटे पत्ते जब तक इग्नोर नहीं मारोगे, जब तक कभी विन नहीं करोगे। और सीक्वेंस के बारे में मैंने आपको डिटेल्स बता दिए, तो आप आपको जानकारी हो गई है। यहाँ पर अपने को हाई गार्ड मिला है, तो अपने को ये मैच नहीं खेलना चाहिए। पर देखते हैं चलो कौन कौन इसने चाल दी है, तो वो जीत गया है। आई एम सारे के सारे जेन्यून बंदे हैं, मैं तो इसमें वापस कवर अप हो जाऊंगा। अब अपन दोनों ही बचे हैं वापस, तो कार्ड बना है, डराते हैं उसको, देखें क्या होता है। शायद शो ले लेगा वो, अगर उसके पास कुछ बन रहा होगा तो शो ले लेगा। राइस किया तो पे गया। तो टेक्निकली यहाँ पर डर का गेम भी है थोड़ा, पैसों को सही तरीके से वो बनाने का गेम भी है, वो समझ सकते हो आप। चलो अब मेरे को ये बजी अपनी, ये चाल अपनी लग रही है। आई थिंक अपना क्या बना, हाई कार्ड बना, तो पेक होना ही बेटर ऑप्शन है। हो गए पेक अपन, क्योंकि आप शो लोगे तो आप 50 रुपये 25 रुपये आप कार्ड देख के भी खेल सकते हो, ये काफ़ी बड़ी बात है। चलो अब वापस खेलते हैं। अब ये बजी अपनी, अपने पास में 2 इक्के हैं, राइज करके देते हैं। 2 इक्के बहुत बड़ा प्लेयर होता है और शायद अपन जीत जाएंगे। वो पेक हो गया, अपन जीत गए। तो टेबल चेंज करें या नहीं करें गाइस, पैसे भी खेलते हैं। आप 3 पत्ती सीखो कि किस तरीके से होती है ऑनलाइन। चलो चाल देते हैं। अब देखो अब अपना क्या बना, प्योर सीक्वेंस। वो पेक हो गया यार दोस्तों, खेलना था अच्छा खासा पैसे से। अभी अपना पैसे कमाने का टाइम था जब ये हो गया अपने साथ में। चलो अभी राइज करके चलते हैं, थोड़ी बजी बनाते हैं, क्या पता अपनी बजी हो। अपना कलर है, कलर है तो अपन वो डालेंगे, शो लेंगे। कलर पे 2 बजी बनती है बस। उसका भी कलर था, अपना भी कलर था, अपन जीत गए। अपना थोड़ा अच्छा कलर था, तो देखो कलर जीत गया अपना। तो हो गए कलर वापस। टेबल चेंज करें गाइस के रहने वे। चलो एक इसी में खेलते हैं। चलो अच्छा पत्ता है अपने पास में, अपन राइस करके देंगे। कंफर्म राइस किया अपन ने, और हाई कार्ड है तो अपन एक बार राइस करके डराते हैं उसको, शायद काम हो जाए। एक बेटर ऑप्शन, क्योंकि उसके पास खेलते नहीं है, तो प्राइज अपन कर लेते हैं। चलो टेबल चेंज करते हैं, यहाँ टेबल ऑटोमेटिक मिल गई अपने को अच्छी वाली, तो यहाँ पर खेलते हैं। इस तरीके से आप 3 पत्ती खेल सकते हो, 3 पत्ती का ये रूल्स होते हैं। आप पहले ही देख सकते हो कि ये बन रहे हैं, तो आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर अपना कलर बन सकता है, और अगर अपना कुछ अच्छा आ जाए तो क्या बना अपना, 1 पेयर बन गया। उसने चाल दे दी, उसने भी चाल दे दी, ये पेक हो गया, ये भी आई थिंक पेक हो जाएगा, तो अपन पेक हो जाते हैं। लाइव शो वगैरह भी ले सकते हैं अपन किसी से, पर शायद शो लेने का भी कोई मतलब रहता नहीं है। ये दोनों ने लिया, देखो शो लिया और उसके पास सीक्वेंस था, तो कलर से सीक्वेंस जीत गया। सीक्वेंस से जीतता है प्योर सीक्वेंस, और प्योर सीक्वेंस से जीतती है 3 इक्के 3 दुग्गी 3 पंजी 3, जो भी 3 का कॉम्बिनेशन बन जाए तो उससे कोई नहीं जीतता ज़्यादातर। तो ये बात ध्यान रखिए। अब एक लास्ट मैच ये खेल रहे हैं अपन, यहाँ पर देखते हैं। वैसे दोस्तों
ज़्यादातर लोगों का लॉस होता है, ये बात ध्यान रखिए। पर तीन पत्ती आप खेलते हो तो थोड़ा सा दिमाग से खेलो, अच्छी एप्लीकेशन पे खेलो, और चाइनीज़ एप्लीकेशन पे प्लीज़ मत खेलो दोस्तों, वहाँ पे सिर्फ लॉस है। 101% सिर्फ और सिर्फ आपका पैसा डूबेगा। ये जितने भी रमी रमी है, जो फर्जी रमी है, आपको दिख जाएंगे, वो दिखने से ही लगते हैं कि फ़र्जी है। तो वहाँ पर डिपॉजिट विड्रॉ कुछ मत कीजिए। जो लीगल एप्लीकेशन है, विंजो हो गया, MPL हो गया, और भी बहुत सारे हैं जिनके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, यहाँ पर जाकर खेलोगे तो आप पैसा बना लोगे दोस्तों। अब यहाँ पर एक पेयर आया है, एक पेयर पे कभी भी नहीं खेलना चाहिए, और दो तिग्गी के पेयर पे कभी नहीं खेलना चाहिए, बहुत छोटा पेयर है, और यहाँ खेलोगे तो आप लॉस में रहोगे, ये बात ध्यान रखो। तो अपन पेक हो गए, अपन देख लेते हैं शो क्या आता है। इन दोनों के बीच में ये शो हो गया है। अब उसके पास देखो कलर था, और इसके पास भी कलर था। उसके पास इक्के का कलर था, वो जीत गया। इसके पास बेगम का कलर था, ये हार गया। तो अब देखो पेयर तो बहुत छोटा होता है कलर से, तो जिद नहीं करनी है, पैसा है, लॉस नहीं करना चाहिए। तो यही है बात। अब मैं थोड़ी बड़ी टेबल खेल के दिखाऊंगा आपको, बड़ा मैच खेल के दिखाऊंगा। इसके बाद में उसी पे चलते हैं अपन, एक ये भी देखते हैं 25 रुपये वाली टेबल। उसके बाद में मैं सीधा आपके सामने स्विच करूंगा, जो टेबल थोड़ी बड़ी होगी, और थोड़ी बड़ी टेबल होगी तो वहाँ पर खेलने का थोड़ा आपको मज़ा भी आएगा कि बड़ी टेबल पे कैसे खेलते हैं। चलो अभी देखते हैं। अभी तक सब ब्लाइंड खेल रहे हैं, अभी तक किस कहीं से भी कोई सीन नहीं हुआ, एक सीन हो गया है। जब तक एक अपना मेन आदमी सीन नहीं करेगा जब तक। अब यहाँ पर देखो क्या बना, हाई कार्ड पे की होना पड़ेगा अपने को। तो यहाँ पर हो जाते हैं अपन यस, और अब अपन यहाँ से ले लेते हैं एग्जिट। क्लाइम भी कर सकते हैं अपन, जैकपॉट वगैरह, पर नीचे सब फालतू चीज़ें कुछ नहीं मिलता। अब बड़ी टेबल खेल के दिखा देता हूँ मैं आपको, एक जो खेलता हूँ 250 रुपये बोट वाली, थोड़ा आपको मज़ा आ जाएगा कि तीन पत्ती रियल में बड़े पैसों में कैसे चलती है। ये बाई कर ली अपन ने, कस्टम बाई की 7,500 रुपये की। चलो ये बड़ा मैच चल रहा है, इसमें सब बड़े बड़े लोग खेल रहे हैं। बड़ी टेबल है, 250 रुपये एंट्री है इसकी। तो आपके सामने खेल के दिखाता हूँ मैं आपको। तो दोस्तों बस स्टार्ट होने में है, अभी तक ब्लाइंड चल रहा है। ये देखो बादशाह खुला, अब बहुत सारे जने पैक हो जाएंगे इसमें से। 4,000 रुपये हो चुके हैं टोटल पॉट में। तो अभी देखते हैं कौन जीतता है इन दोनों में से। मेरे को लगता है कि ये जो थर्ड नंबर पर्सन है ये ही जीतेगा, क्योंकि इसने अभी बड़ी चाल दी है, तो इसके पास सीक्वेंस बन रहा होगा आई थिंक, या फिर इसमें कलर भी बड़ा होता है। बड़ी टेबल पे कलर भी बहुत देखो, तो कल ये पेयर पे खेल रहा था और कलर पे खेल रहा था। ये लो अपनी बोट भी चली गई, टोटल 1,500 रुपये तो बोट हो गया। 400 रुपये डाले। अब जिसने सीन कर लिया उसको 500 रुपये डालने पड़ेंगे सीधा डबल। उसने राइज कर दिया 1,000 रुपये से। देखो ब्लाइंड ब्लाइंड में ही इतनी बड़ी टेबल हो जाती है। अपना कलर बनाया तो अपन खेलेंगे इसको, इसको छोड़ नहीं सकते अपन, छोटा कलर है आई थिंक, बट खेलेंगे ज़रूर। चाल दे दी अपन ने भी, इसने भी चाल दे दी, इसने भी चाल दे दी। अपन राइज कर लेते हैं थोड़ा सा। ये पैक हो गया, वो शो मांग लेगा आई थिंक, अगर उसके पास पेयर बन रहा होगा तो। उसके पास भी कलर है पर अपने से बड़ा कलर है, तो वो जीत जाएगा दोस्तों। अपन हार गए, छोटे कलर पे भी नहीं खेलना चाहिए, तो यही बात है। और जीत भी नहीं खेलना चाहिए, बहुत छोटा कलर था अपने पास में, 6G का कलर था आई थिंक। 6 के कलर से यार गुलाम का कलर तो जीतेगा ही। तो यही है, आपको पता ही लग गया, लॉस तो होता ही है, 101% लॉस होता है। तो आपको कहाँ खेलना चाहिए, तो बड़ी एप्लीकेशन पे खेलना चाहिए। कैसे खेलना चाहिए, तो आपकी जितनी लिमिट है उसमें खेलना चाहिए। दूसरी चीज़ दोस्तों, फ्रॉड से बचो, चाइनीज़ एप्लीकेशन से बचो, सट्टे की एप्लीकेशन से बचो,
प्योर तरीके से खेलो, क्योंकि गैम्बलिंग कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, आप हार जीत तो हो ना उसमें, ऐसे मैच खेलने में मतलब है। अब वहाँ पर क्या है दोस्तों, आपको शो ही नहीं लेने देंगे, आपको पता है 3 इक्के पड़े हैं, कितना डिपॉजिट करोगे आप पैसा। अब ये आगे के सामने के 3 बंदे अगर शो ही नहीं ले रहे हैं, ये तीनों खेल रहे हैं, तीनों उन कंपनी के बंदे हैं वो, आप 10 करोड़ की, उनको तो कॉइन डालनी है, आपको तो पैसा डालना है ना, तो वहाँ पर आपको फंसाते हैं। और इस तरीके से फंसा के आपको मतलब यू देख लो कि आपके बैंक में जो पैसा होता है ना, वो तो करीब करीब वो लोग ले ही लेते हैं। वापस कलर है, अब की बार देखते हैं इस कलर से क्या होता है। गुलाम का कलर है, थोड़ा ठीक है, ये इनएक्टिव हो गया एक बंदा, तो टावर चला गया इसके। तो वही बात है दोस्तों, मेरे हिसाब से यार मतलब फ्रॉड से तो बचना चाहिए। कलर पे 2 चाल आती है, 2 चाल से ज़्यादा नहीं खेलनी चाहिए, ये बात भी ध्यान रखा करो। और मेरा तो यही है कि जितना हो सके इस तरीके से खेलते हैं, और आपको पूरा समझ में आ ही गया है कि सबसे बड़ा पत्ता कौन सा होता है। 3 इक्के 3 बादशाह, ट्रिल सबसे बड़ी होती है, दूसरे नंबर पे प्योर होती है, प्योर मतलब जो एक ही कलर की होती है, दुग्गी तिग्गी चोगी, इक्का बादशाह बेगम, ईट का इक्का बादशाह बेगम, हुक्म का इक्का बादशाह बेगम, ये सबसे बड़ा होता है। इसके बाद में थर्ड नंबर पे आता है जो आपको पता ही है, वो होता है कि अनप्योर सिक्वेंस होता है वो, जैसे कि कुछ भी हो जाए, सत्ती अट्ठी नेस्ला, सत्ती लाल की है, अट्ठी हुक्म की है, नेस्ला चढ़ी लाल की वापस, तो वो सब हो जाता है, तो वो इम्प्योर सीक्वेंस हो जाता है। और उसके बाद में फोर्थ नंबर पे कलर तो है ही है, तो उसके बाद आप मान के चलो ही चलो, तो अपन ने चाल दे दी, शायद ये अपन जीतेंगे, मेरे को ऐसा लग रहा है, देखते हैं वो शो लेता है या नहीं लेता है। उसके पास इतना बड़ा पत्ता होता तो वो फटाक से डाल देता पैसे, ये मेरे को लग रहा है। उसके बाद में कलर ही है, ऑल इन करते हैं, चलो जो होगा देखा जाएगा सीक्वेंस। तो अपन हार गए, तो अच्छा लगा आपको मेरे 6-7 हज़ार रुपये डुबा के। तो इसी तरह बोलता हूँ, 3 पत्ती में डूबते हैं, बस कुछ अच्छी एप्लीकेशन पे खेलो, कम रुपए में खेलो, टाइम पास के तरीके से खेलो तो सही है, बाकी ऑनलाइन फ्रॉड एप्लीकेशन से बचो। अगर वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, 10 हज़ार का वीडियो था तो लाइक तो होना ही चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, आपको सिखाने के लिए 10 हज़ार रुपये हार गया। तो यही है दोस्तों, अगर मैं इतना टैलेंट बताते हुए नहीं जीत पा रहा हूँ तो आप तो समझ ही जाओ। तो कलर वगैरह पे नहीं खेलना है, सीक्वेंस पे ही खेलना है जितना हो सके, वो मैंने आपको दिखाने के लिए लॉस किया है। अगले वीडियो में परफेक्ट डालेंगे, 50 हज़ार डालेंगे, अपने को कितने निकालने हैं, 8 हज़ार, 2 बजे में निकल जाएंगे। तो वही है कि अपन तो कवर कर सकते हैं, पर हर बंदा कवर नहीं कर सकता, जो 10 लाख हार गया 15 लाख हार गया वो कवर नहीं कर सकता। तो इसीलिए बोल रहा हूँ, थोड़ा टैलेंट के साथ में और समझदारी से खेलो, सीक्वेंस पे खेलो, कलर जैसे छोटे पत्ते और पेयर पे, इन पे ज़्यादा रिस्क मत लो। अभी ओनली ऑल इन किया अपन ने, 4 हज़ार रुपये की रिस्क ली, क्यों ली, नहीं लेनी थी, अपने पास नॉर्मल कलर था, तो उसके पास सीक्वेंस था दोस्तों। तो यही बात है, तो इस वीडियो से आपको काफ़ी सीखने को मिला होगा, तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपना ख्याल रखो, वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।